तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बिना राउटर के अपने मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन पर फ्री में पोर्ट फॉरवर्डिंग की जा सकती है और कैसे अपने पब्लिक डायनेमिक एड्रेस को एक स्टैटिक नाम दिया जा सकता है जिससे आप अपने होम पीसी या मोबाइल या उसकी किसी सर्विस को इंटरनेट पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिव यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे यहाँ पर ज़्यादातर इंटरनेट मोबाइल सिम के नेटवर्क से यूज़ किया जाता है। तो यदि आप अपने होम पीसी, मोबाइल, रेसबरी पाई या इनकी सर्विसेज को इंटरनेट पर किसी दूसरे सिस्टम पर एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और यदि आपके पास राउटर नहीं है तो फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करें, वैसे इसके लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई हुई थी। पर आज के इस वीडियो में हम एक और आसान टेक्निक के बारे में जानेंगे जिससे आप बिना राउटर के फ्री में पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं और अपने पीसी, मोबाइल, रेसबरी पाई को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सर्विस का नाम है पोर्ट मैप। आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे। इसके द्वारा पोर्ट फॉरवर्डिंग को और आसान बनाया जा सकता है। इसका यूज़ आप अपने वेब और मोबाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ले सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को अपना वर्क दिखाने के लिए या अपनी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस या कंट्रोल करने के लिए, या वीडियो सर्विलेंस के लिए जैसे कि सीसीटीवी कैमरास को रिमोटली देखने के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है। आप यहाँ पर HTTP, HTTPS, TCP, UDP प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, कस्टम डोमेन यूज़ कर सकते हैं और आप इसे सभी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS आदि। यहाँ पर आपको इसके फ्री और पेड दोनों तरह के प्लान मिल जाएंगे। फ्री प्लान के अंदर लिमिटेड फीचर्स ही मिलते हैं पर इससे आपका काम चल जाएगा। मैंने पर्सनली कई बार इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ लिया है और आप यकीन मानिए ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं, हम इसका सेटअप कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इसको अपने कालिनिक्स पर सेटअप करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर यह लिंक ओपन कर लीजिए। यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आप यहाँ से पोर्ट फॉरवर्डिंग को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर साइन इन कर लीजिए। आप नॉर्मली इस पर साइन इन कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल फिल कर दीजिए जैसे कि लॉगिन ID, ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड। अपने पासवर्ड को कन्फर्म करा लीजिए। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। कैप्चा वेरीफाई कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए रजिस्टर बटन पर। तो आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर लीजिए। इसके लिए आपने यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस दिया है वहाँ पर आपको एक्टिवेशन की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिव और वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अभी आप यहाँ पर पोर्ट मैप का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोफाइल पर जाकर अपने अकाउंट की डिटेल अपडेट कर सकते हैं या प्लान्स को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो इसके लिए जाइए कॉन्फ़िगरेशन पेज पर और हम यहाँ पर एक नया कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे। इसके लिए क्लिक कर दीजिए क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पर अपने कॉन्फ़िगरेशन का नाम सेट कर लीजिए। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया टेकचिप। टाइप सेट कर लीजिए कि आप इसको कैसे यूज़ में लेना चाहते हैं, ओपन VPN के द्वारा या SSH के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया ओपन VPN। प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लीजिए कि आप इसको TCP या UDP के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया TCP। आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद क्लिक कर दीजिए जनरेट पर। तो यहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर इसी फाइल के द्वारा अपने सिस्टम को ओपन VPN टर्मिनल से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर इस फाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको जिस भी डिवाइस पर यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आपको ओपन VPN सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। ओपन VPN सॉफ्टवेयर सभी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मिल जाता है। आप इसको विंडोज़, मैक, लिनक्स, iOS या एंड्रॉयड पर यूज़ कर सकते हैं। कालिनक्स के अंदर ओपन VPN पहले से इंस्टॉल मिल जाता है। तो आप यहाँ पर इस कमांड के द्वारा इससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये कमांड यहाँ पर मैंने कॉपी कर ली। अब इसके बाद हम यहाँ पर मैपिंग रूल को क्रिएट करेंगे कि आप यहाँ पर कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक नया रूल क्रिएट कर लीजिए। फ्री प्लान के अंदर आप यहाँ पर केवल एक ही रूल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी आप यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। आप यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो हमने क्रिएट की थी, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। अपना प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लीजिए कि आप यहाँ पर इसको किस यूज़ में लेना चाहते हैं, TCP, UDP, HTTP या HTTPS। तो यहाँ पर मैं इसको टेस्टिंग के लिए HTTP पर यूज़ करूँगा। आप यहाँ पर इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका होस्ट नेम है। आप यहाँ पर इसको फ्री प्लान के अंदर चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर पेड सर्विस का यूज़ करना होगा। आप यहाँ पर होस्ट का डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए कि आप यहाँ पर किसका यूज़ करना चाहते हैं, पोर्ट मैप .io का या पोर्ट मैप .host का।
आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका पोर्ट मैप डॉट आईओ का पोर्ट नंबर है। इसके बाद अपने पीसी का पोर्ट नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए कि आप अपने पीसी पर कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि 4444। पर यहाँ पर मैंने HTTP प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर 80 को फॉरवर्ड करूँगा। यहाँ पर मैंने अपने सिस्टम के अंदर एक लोकल वेब सर्वर बनाया हुआ है, मैं उसको अपने लोकल नेटवर्क से बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर 80 को फॉरवर्ड कर दिया। आप यहाँ पर अपने हिसाब से किसी भी पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये सब सेट करने के बाद क्लिक कर दीजिए क्रिएट पर, तो आपका यहाँ पर रूल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, अभी आप यहाँ पर इस लिंक के द्वारा अपने सिस्टम की सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ गया और यहाँ पर मैंने अपाची वेब सर्वर को स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड की थी वो हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर है। ये देखिए, तो हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे openvpn --config और हमारी कॉन्फ़िग फाइल का नाम। आप इस कमांड को वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको मैंने पहले से कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका टनल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर टनल स्टार्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ पर portmap.io से कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इस लिंक के द्वारा अपनी सिस्टम की सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये मेरे लोकल होस्ट पर ये वेब सर्वर रन है। अभी मैं यहाँ पर इस लिंक के द्वारा इसको ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए, यही सेम पेज यहाँ पर इसके द्वारा ओपन हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर इस लिंक के द्वारा अपने वेब सर्वर को इंटरनेट पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर अपनी पब्लिक आईपी को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये देखिए, इस लिंक के द्वारा मेरे मोबाइल के अंदर भी ये वेब पेज ओपन हो चुका है। बस आप इस लिंक के द्वारा अपने लोकल होस्ट को अपने लोकल नेटवर्क से बाहर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने वेब सर्वर के लिए यूज़ करें, इसका यूज़ कहीं पर भी लिया जा सकता है, जैसे कि रेड के अंदर या MSF पेलोड के अंदर। इसके लिए आपको यहाँ पर होस्ट नेम के अंदर ये देना होगा और पोर्ट के अंदर पोर्ट मैप आईओ का पोर्ट डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिसनर स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको पोर्ट मैप आईओ के अंदर TCP पोर्ट को फॉरवर्ड करना होगा, जिस पोर्ट पर भी आपका लोकल सिस्टम का लिसनर स्टार्ट है, उसके बाद आप यहाँ पर इसका यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर पोर्ट मैप आईओ के द्वारा अपने लोकल होस्ट को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के द्वारा अपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर पोर्ट मैप आईओ से कनेक्ट हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको यहाँ पर OpenVPN को इंस्टॉल करना होगा। और OpenVPN सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विंडोज़, एंड्रॉयड और iOS पर कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पोर्ट मैप आईओ का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके काफ़ी यूज़ में आ सकता है। तो बस दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की यूज़फुल जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।